गाइस, पता है आजकल जमाना शॉर्टकट बोलने का है। आजकल जमाना शॉर्टकट का चल रहा है। कुछ भी बात बोलनी हो ना, शॉर्टकट बोलते हैं हम। सो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको शॉर्टकट कैसे बोला जाता है, शॉर्टकट में शॉर्ट रूप में आप कैसे बोल सकते हो और उनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे फ्लुएंट बना सकते हो, इसके साथ में हम बात करने वाले हैं। सो आई एम मिस्टर वेके, वंस अगेन आई एम हियर टू टीच समथिंग स्पेशल। और स्पेशल क्या है आप जानते हैं। सो शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट बोलते हैं ना, फ्लुएंट बना दे अपनी लैंग्वेज को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर वी गो। सो आपके सामने जो फर्स्ट वर्ड लेके आया हूं मैं, दैट इज कैन, दैट इज कैन। सो कैन प्लस नॉट, कैन प्लस नॉट के साथ में हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि वर्ड्स को शॉर्ट करते हैं हम, कंबाइंड बनाते हैं। सो कंबाइंड वर्ड्स के साथ में हम बात कर रहे हैं। कैन प्लस नॉट को बोला जाता है कांट। कैन प्लस नॉट को कांट बोला जाता है। एक तो आपने कहा कि सर मैं झूठ नहीं बोल सकता, इस लाइन को आपने इंग्लिश में बोला आई कैन नॉट लाई, I cannot speak like tell a lie, I cannot lie, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और एक आप combinedly use कर रहे हो, I can't lie, I can't lie, I can't speak lie, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, I can't fight, I can't fight, I can't fight, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, I can't go with you, I can't go with you। so आप shortcut रूप से कंबाइंडली आप कैसे बोलते हैं, कैन नॉट को बताया गया है कांट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज, द नेक्स्ट वर्ड इज शुड प्लस नॉट। शुड प्लस नॉट को बोलते हैं शुडंट। शुड प्लस नॉट को बोला जाता है शुडंट। लाइक मैंने कहा कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए, आपको गाली नहीं देनी चाहिए, मैंने इंग्लिश में बोला यू शुड नॉट अब्यूज, यू शुड नॉट अब्यूज। ओके, अब इसको फ्लुएंट बोलना है, अब इसको फ्लुएंट बोलना है, कंबाइंड वर्ड्स यूज करना है, शुड नॉट को कंबाइंडली हमें यूज करना है। सो मैंने बोला यू शुडंट अब्यूज, यू शुडंट अब्यूज, आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट बैक बाइट, यू शुडंट बैक बाइट, आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, यू शुडंट मिसबिहेव, यू शुडंट मिसबिहेव, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुडंट वेस्ट टाइम, यू शुडंट वेस्ट टाइम, कुछ इस तरीके से काम लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, आपने ऐसे देखा होगा कई बार आई प्लस विल अदरवाइज आई प्लस सेल को आपने कुछ इस अंदाज में देखा होगा, कुछ इस अंदाज में देखा होगा। इसके साथ में बात कर लेते हैं। मूवीज में आपने डायलॉग सुना है, मैं आपको मार डालूंगा, मैं आपको मार डालूंगा, आई विल किल यू, सुना होगा, यूज किया होगा कहीं ना कहीं धमकाने के लिए, डराने के लिए किसी को। ओके, कहा कि मैं आपको मार डालूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू, थोड़ा सा फ्लुएंट बोलते हैं ना। आई विल को आज से आप यूज करने वाले आई विल, आप बोलने वाले आइल, ये साउंड आना चाहिए, आइल, आई विल बोलने के बजाय आइल यूज कीजिए। आपने कहा मैं आपको मार डालूंगा, आइल किल यू, आइल किल यू, आइल किल यू। आपने कहा कि मैं आपसे मिलूंगा, आइल मीट, आइल मीट, मिलूंगा आपसे, आइल मीट। ओके, आगे जिस तरीके से काम लेना है। आपने कहा कि मैं डांस करूंगा, मैं डांस करूंगा, आइल डांस, I'll dance, मैं perform करूंगा, I'll perform, I'll perform, मैं आपको invite करूंगा, I'll invite you, I'll invite you, I'll invite, मैं आपकी help करूंगा, I'll help you, I'll help you, I will की बजाय I'll use करना start कर दीजिए। The next one is,
विल प्लस नॉट। विल प्लस नॉट को विलंट मत कर देना, विल प्लस नॉट को विलंट मत कर देना, आप यूज करने वाले हो वॉन्ट, डब्ल्यू ओ एन अपोस्ट्रोफी टी, वॉन्ट। विल प्लस नॉट को आप वॉन्ट यूज करने वाले हैं, आई वॉन्ट, आई विल नॉट बोलने की बजाय आई वॉन्ट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई एम एनॉयड टू यू, मैं आपसे नाराज हूं, आई एम एनॉयड टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई वॉन्ट। विल नॉट की जगह हम क्या यूज करें कमांडली, वॉन्ट, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टॉक टू यू, आई वॉन्ट टॉक टू यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट स्पेयर यू, I won't spare you, मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, I won't guide you, I won't guide you, मैं आपको मिस नहीं करूंगा, I won't miss you, I won't miss you। will plus not को आप won't यूज करने वाले हैं। The next one is like is plus not, is plus not को आप बोलते हैं isn't, is plus not को आप बोलते हैं isn't, isn't। ओके, नाउ मैंने कहा कि वो सुन नहीं रहा है, वो सुन नहीं रहा है, तो बेसिकली क्या बोला जाएगा विदाउट कंबाइंड वर्ड यूज किए हुए, He is not listening. He is not listening. He is not listening. हमें तो fluent बनाना है, बेहतर लैंग्वेज को बनाना है, कंबाइंडली यूज कर लिया हमने, He isn't listening. He isn't listening. He isn't listening. आपने कहा वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, He isn't happy, He isn't happy, He isn't happy। अब एक चीज और डिस्क्राइब करना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आई एम सो एक्साइटेड टू टेल दिस थिंग। द थिंग इज, अपनी लैंग्वेज में ऑलरेडी बता चुका हूं, अपनी लैंग्वेज अपने एक्सप्रेशंस के बिना अधूरी है, अपने एक्सप्रेशंस के बिना अधूरी है, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। वो कैसे, आप जैसे मैं मुंह लटका के खड़ा हूं फिर भी कह रहा हूं, आपने पूछा हाउ आर यू सर, मैंने कहा आई एम फाइन, आई एम फाइन, अब चेहरे से लग रहा है, अब आप मेरे वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, मेरा एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा है, आप यही कहोगे दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिजी हियर, समथिंग इज फिजी हियर, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं मिला ना। सो जब तक आप प्रॉपर एक्सप्रेशंस यूज नहीं करते, कंप्लीट सेंस नहीं देने वाला। अब मैं हंस रहा हूं, हंसते हंसते कह रहा हूं आई एम सैड, ये कौन सा सैड होता है भाई, ये कौन सा सैड होता है। सो वर्ड्स के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस यूज करना जरूरी है ताकि कंप्लीट मीनिंग दे सके। लेट्स टॉक फर्दर, इज नॉट को इजंट। द नेक्स्ट वन इज एम प्लस नॉट, एम प्लस नॉट एमंट, व्हाट एमंट, ना ना ना, एमंट यूज नहीं करने वाले जनाब, एमंट नहीं, एम प्लस नॉट को बोला जाता है एंट, एंट ए आई एन अपोस्ट्रोफी टी, एंट बोला जाता है, एम प्लस नॉट को एमंट नहीं बोलना है, एमंट नहीं बोलना है, आई एम रिपीटिंग इट, एमंट यूज नहीं करना है, एम प्लस नॉट को एंट बोला जाता है, एंट बोला जाता है, कई जगह आपको आरेंट भी मिल सकता है। ओके, या जैसे आपने कहा कि सर मैं सेड नहीं हूं, मैं सेड नहीं हूं, आई एम नॉट सेड, क्या आई एम नॉट सेड, ऐसा बोलिए ना, आई एंट सेड, आई एंट सेड। आपने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट लाइंग की बजाय आप यूज कीजिए आई एंट लाइंग, आई एंट लाइंग, आई एंट लाइंग, मैं सो नहीं रहा हूं, आई एम नॉट स्लीपिंग की बजाय यूज कीजिए आई एंट स्लीपिंग, I ain't sleeping। The next word is R plus not,
aren't, r plus not aren't, मैंने कहा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो। कैसे बोलोगे? आप बोल नहीं रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग, आप जवाब नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट रिप्लाइंग। जनाब आर नॉट को कमांडली यूज किए ना, कीजिए ना। You aren't replying, you aren't responding, you aren't answering, you aren't, r plus not aren't. The next one is was plus not ko bolte hain wasn't. Aapne kaha main khana nahi kha raha tha, मैं खाना नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट टेकिंग फूड, आई वॉज नॉट हैविंग फूड। खाने के लिए आप ईट, टेक, हैव, तीनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। सो आपने कहा मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, ऐसे यूज कीजिए ना। आई वॉजंट ईटिंग फूड, आई वॉजंट ईटिंग फूड। द नेक्स्ट वर्ड इज were plus not या were, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे। ग्रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वर की बात कर रहा हूँ। were plus not को बोला जाता है weren't, were plus not को बोला जाता है weren't, were plus not को बोला जाता है Warrant, yes. मैंने कहा कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे। You weren't talking to me. आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, आप मेरी सुन ही नहीं रहे थे। You weren't listening to me. So let's talk. The next word is. Next word has plus not hasn't, have plus not is haven't. मेरे काम, मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। I haven't free time को haven't यूज कर लिया। I haven't free time, मैंने कहा उसके पास फ्री टाइम नहीं है। She hasn't free time, he hasn't free time, कुछ इस अंदाज में आप यूज करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड Do plus not, don't खेला है कभी? Don't खेला गया? Don't, हम तो खेला करते थे भी, वो सबने मजे आते थे खेलने के, कंसे खेलते थे। उसमें एक गेम हुआ करता था डोंट नाम से। सो डू प्लस नॉट को आप डोंट यूज करते हैं। बोलते नहीं हो क्या, मैं आपको नहीं जानता। आई डू नॉट नो यू। डू नॉट को आपने यूज किया डोंट। आई डोंट नो यू, मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोलता। आई डोंट लाई लाइक यू, किसी की तरह। आई डोंट लाई लाइक यू, मैं आपकी तरह चुगली नहीं करता। सुना होगा ये वर्ड तो, बहुत बार यूज कर रहा है, मिलता है। मैं आपकी तरह चुगली नहीं करती। I don't backbite like you. मैं आपकी तरह गाली नहीं देता। I don't abuse like you. Do not. Does plus not. Doesn't. Does plus not doesn't. Okay. जैसे कहते हैं ना, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, तो आप बोल सकते हो डजंट मैटर, डजंट मैटर, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो डोंट मैटर, डोंट माइंड, इस तरीके से आप यूज करते हो. ओके, डजंट, मैंने कहा कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट को हमें कंबाइंडली यूज करना है, ही डजंट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल, वो स्टडी नहीं करता, he doesn't study, he doesn't study, वो homework नहीं करता, he doesn't do homework, he doesn't do homework. Okay, the next one is did plus not, didn't. did plus not को didn't, otherwise एक word और नाम से भी बोलते हैं din, D-I-N, din, din मत कर देना. हाँ, शॉर्ट कर तो बहुत बोलते हैं हम, जैसे गुड नाइट को क्या बोलते हैं, जी डी नाइट एन एट. हाँ, शॉर्टकट बनाने की तो बात बैठे ना हम, या डिन भी बोल सकते हो या फिर डिडंट. मैंने पूछा आपने मुझे मिस किया था, मैंने तो आपको मिस नहीं किया था, मैंने आपको मिस नहीं किया था, आई डिड नॉट मिस यू, कंबाइंडली यूज करने वाले हो, आई डिडंट मिस यू, अदरवाइज आई डिडंट मिस यू, कैसे बोलने वाले हो, आई डिडंट मिस यू, मैंने आपको कॉल नहीं किया था, आई डिडंट कॉल यू, आई डिडंट कॉल यू, आई डिडंट कॉल यू, आपने कॉल रिसीव नहीं किया था, यू डिडंट रिसीव माई कॉल, यू डिडंट रिसीव माई कॉल, आपने मुझे फाइल नहीं भेजी थी, यू डिडंट सेंड मी अ फाइल, यू डिडंट सेंड मी अ फाइल, आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, यू डिडंट रिकॉर्ड ए वीडियो, आपने वीडियो अपलोड नहीं की थी, यू डिडंट अपलोड ए वीडियो, डिड नॉट को साथ में आप डिडंट भी यूज करते हो. द नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्ट प्लस टू, वॉन्ट टू को कंबाइंड में वाना बोला जाता है, वाना, गाना सुना, डू यू वाना पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर, गाना तो सुना ही होगा ना, या वॉन्ट टू को साथ में वाना बोलते हैं. आपने कहा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, वॉन्ट टू को कंबाइंडली यूज कीजिए ना, आई वॉन्ट एक्सप्लेन, आई वॉन्ट एक्सप्लेन, आई वॉन्ट एक्सप्लेन, मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, कंबाइंडली यूज कीजिए ना, आई वाना शेयर समथिंग, आई वाना शेयर समथिंग, आई वाना शेयर समथिंग, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, आई वाना शो समथिंग, आई वाना शो समथिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज, कहाँ जाते हो जनाब, यस, द नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग प्लस टू, गोइंग प्लस टू, गोइंग प्लस टू को गोना बोलते हैं, घोना मत कर देना, घोना का मतलब बकरी होता है, या घोना मत कर देना, लोकल में यूज करते हैं ये वर्ड गोना, गोइंग टू को आप गोना यूज करते हैं. आपने कहा मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं पहुंचने वाला हूं, तो आपने लाइन बोली आई एम गोइंग टू रीच, अदरवाइज अराइव आप यूज करते हो, आई एम गोइंग टू रीच, शॉर्टकट यूज कीजिए ना, कंबाइंडली यूज कीजिए ना, आपने कहा आई एम गोना रीच, आई एम गोना रीच, आई एम गोना रीच. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज गो प्लस टू, घोड़ा, गो प्लस टू को घोड़ा बोलते हैं, यूज, आपने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, आई गॉट अ स्कूल, आई गॉट अ स्कूल, आई गॉट अ स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गॉट अ स्कूल. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हैज प्लस टू, हैज प्लस टू इज हैज़्डा, हैज प्लस टू इज हैज़्डा. आपने कहा सर मेरे भाई को, मेरे भाई को पोछा लगाना पड़ता है, मेरे भाई को पोछा लगाना पड़ता है, माई ब्रदर हैज टू मोप, माई ब्रदर हैज टू मोप, माई ब्रदर हैज टा मोप, माई ब्रदर हैज टा मोप, माई ब्रदर हैज टा मोप, मेरे सिस्टर को झाड़ू लगानी पड़ती है, माई सिस्टर हैज टा स्वीप, स्वीप का मतलब SWWP, स्वीप झाड़ू लगाना होता है, माई सिस्टर हैज टा स्वीप. नाउ वन मोर वर्ड इज देयर, वन मोर वर्ड, ओके, आई वुड लाइक टू राइट हियर, हैव प्लस टू, हैव प्लस टू को बोला जाता है
हेफ्टा, एच ए एफ टी ए, हेफ्टा, रेप्टा मत कर देना, रेप्टा, हाँ रेप्टा मत कर देना, हैज हैव प्लस टू को, हैव प्लस टू को हेफ्टा बोला जाता है। आपने कहा सर मुझे घर संभालना पड़ता है, मुझे घर संभालना पड़ता है, आई हैफ्टा लुक आफ्टर माई होम, आई हैफ्टा लुक आफ्टर माई होम, मुझे घर चलाना पड़ता है, आई हैव टू रन माई होम, आई हैव टू ड्राइव माई होम, हैव टू को कमांडली यूज कीजिए ना, आई हैव टू ड्राइव माई होम, आई हैव टू रन माई होम। कुछ और भी वर्ड्स है, एक दो वर्ड्स और डिस्क्राइब कर देता हूं आपके सामने, नीड प्लस टू, नीड प्लस टू को बोला जाता है नीडा, नीड प्लस टू नीडा, नीड प्लस टू नीडा बोला जाता है, नीड बताते हैं जरूरत के लिए। एक वर्ड और, एक वर्ड और, काइंड प्लस अव को बोला जाता है काइंड, काइंड प्लस अव काइंड, किस टाइप के आदमी हो आप यार, किस टाइप के आदमी हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन या व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आप यूज करते हो। और भी बहुत सारी वर्ड्स हैं, जैसे हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू को कंबाइंडली फॉरेनर्स यूज करते हैं, व्हाट्स आर डूइंग, व्हाट्स आर डूइंग, अगर वो बोलते हैं व्हाट्स, अब अपने तो गड़बड़ हो गई, व्हाट्स क्या चीज है, क्या लोचा है, हाँ गड़बड़ हो जाती है। व्हाट्स आर डूइंग, व्हाट्स आर डूइंग, डब्ल्यू डब्ल्यू ए टी सी एच ए, व्हाट्स आर डूइंग, व्हाट्स आर डूइंग, लाइक लेट प्लस मी, लेट प्लस मी, लेट प्लस मी को बोलते हैं ले मी, लेट प्लस मी का बोलते हैं ले मी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, ले मी गो, ले मी गो। ये कुछ कंबाइंड वर्ड्स आपके सामने शेयर किए, यू शुड यूज इट एंड यू शुड मेक योर लैंग्वेज, योर कम्युनिकेशन स्किल फ्लुएंट। सो फॉर टुडे इज इनफ, ठाड़ा, बाय बाय।